दिल्ली का बजट पेश कर दिया गया है। अब क्योंकि दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लागू है, इसीलिए केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली ने लोकसभा में दिल्ली का यह बजट पेश किया। बजट में वित्त मंत्री ने दिल्ली वालों को बिजली पर सब्सिडी की सौगात दी। वित्त मंत्री ने 400 यूनिट तक की बिजली खर्च करने पर सब्सिडी का ऐलान किया। हर महीने 200 यूनिट तक खर्च करने पर 1.20 रुपए प्रति यूनिट की छूट मिलेगी। 201 से 400 यूनिट तक बिजली खर्च करने पर 80 पैसे प्रति यूनिट की छूट मिलेगी। दिल्ली वालों को बिजली पर सब्सिडी देने के लिए सरकार ने 260 करोड़ रुपए का प्रावधान रखा है। दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लगे होने की वजह से केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली ने शुक्रवार को लोकसभा में दिल्ली के 2014-2015 का बजट पेश किया। बजट में वित्त मंत्री ने बिजली पर सब्सिडी दिए जाने के साथ साथ दिल्ली के लिए कई योजनाएं शुरू करने की घोषणा की। लोकसभा में बजट पेश करते हुए अरुण जेटली ने दिल्ली के लोगों पर कोई नया टैक्स नहीं थोपा। सरकार ने 200 यूनिट तक बिजली खपत करने पर प्रति यूनिट 1.20 रुपए, 201 से 400 यूनिट तक की बिजली खपत पर 80 पैसे सब्सिडी देने की घोषणा की। बिजली पर सरकार ने कुल 260 करोड़ रुपए सब्सिडी का प्रावधान किया है। दिल्ली में बिजली के दर क्योंकि बढ़ते हुए देखते हुए इसमें जो कमजोर वर्ग हैं उनको सब्सिडाइज किया जाएगा, जिससे कि बढ़ता हुआ दर उनके ऊपर लागू नहीं होगा। अरुण जेटली ने बजट के जरिए दिल्ली को कई तोहफों का ऐलान किया। बजट में रोहिणी में एक नया मेडिकल कॉलेज, दक्षिणी दिल्ली के देहाती इलाके में सुपर स्पेशलिटी अस्पताल, दुर्घटनाओं और आपात स्थिति से निपटने के लिए 110 मोबाइल एम्बुलेंस, 20 नए सरकारी स्कूल, स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर, कामकाजी महिलाओं के लिए 6 नए वर्किंग वुमन हॉस्टल और झुग्गी बस्तियों में सामुदायिक शौचालय बनाने का ऐलान किया। बीजेपी ने जहां बिजली की सब्सिडी दिए जाने पर केंद्र सरकार का आभार जताया, वहीं कांग्रेस ने बजट को लेकर सवाल खड़े किए। माननीय वित्त मंत्री ने जो दिल्ली के संदर्भ में अपने जो बजट दिया है उसमें उन्होंने सभी वर्गों का ध्यान में रखा है। दिल्ली में अच्छे दिन आने चाहिए, देश में अच्छे दिन आए हैं और अच्छे दिन की शुरुआत दिल्ली में है। भाजपा ने बहुत बड़ा धोखा किया है और ये बजट निश्चित तौर पर दिल्ली को कोई नई दिशा नहीं देगा, दिल्ली का इससे कोई विकास नहीं होगा और ये मैं कहना चाहता हूँ दिशाहीन बजट है और जन विरोधी बजट है। दिल्ली में होने वाले आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए केंद्र सरकार ने बिजली समेत कई मुद्दों पर लोगों को राहत दी है। बिजली सब्सिडी और पानी को लेकर शुरू की जाने वाली योजनाएं शुरू कर उसकी कमी को दूर कर महंगाई से जूझ रहे लोगों को मरहम लगाने की कोशिश की। दिल्ली में भले ही किसी राजनीतिक पार्टी की सरकार नहीं है, लेकिन केंद्र की सत्ता में बैठी बीजेपी को अच्छी तरह पता है कि दिल्ली वालों की नजरें उसी पर टिकी हैं। यही वजह है कि बीजेपी की सरकार ने दिल्ली वालों को बिजली पर राहत देकर विपक्षी पार्टियों को झटका देने की कोशिश की है। कैमरामैन करम सिंह के साथ रवि सिंह, दिल्ली, IBN 7। और इस पर और जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ेंगे विक्रांत, लेकिन हम आपको साथ ही साथ ये भी बता दें कि तमाम विपक्षी पार्टियां भी इसको लेकर निशाना साध रही हैं। उन्होंने सीधे सीधे यही कहा है कि चुनावों को देखते हुए ही इस बजट को बनाया गया और इसे पेश किया गया है। हमारे साथ में दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष सतीश उपाध्याय हैं। सतीश जी, आज जो बजट आया है उसमें खास तौर पर बिजली को लेकर जो राहत दी गई है उस पर क्या कहना चाहेंगे, कितना नंबर देंगे इस बजट को आप? नहीं, मैं इस बजट को वित्त मंत्री जी को बिल्कुल पूरी तरह से बधाई देना चाहता हूं, उनको मैं शुभकामनाएं देना चाहता हूं कि उनकी संवेदनशीलता ने दिल्ली की ज़रूरतों को ध्यान में रखा है और ख़ास करके जो बिजली से लोग परेशान थे। मैं वित्त मंत्री जी को इस बजट के लिए पूरे 10 में से 10 नंबर दूंगा। इसके अलावा जो बजट आया है, कांग्रेस ने आरोप लगाया है क्योंकि जब वो छूट देते थे, किसी तरीके से छूट देते थे और सब्सिडी देते थे, तो बीजेपी आरोप लगाती थी कि आप जो है पब्लिक का पैसा और पब्लिक को ही दे रहे हैं, यानी कि बीजेपी जो है उस समय विरोध कर रही थी और वही काम यानी जो कांग्रेस करती थी वही नकल आप लोग कर रहे हैं। नहीं देखिए, उस सब्सिडी में और इसमें फ़र्क है। 15 साल उनकी सरकार यहाँ पर रही है, दिल्ली के बिजली की जो बुनियादी ढांचा है उसको ठीक करने का प्रयास नहीं किया गया। आफ्टरऑल रेट कैसे कम होंगे, कोई दीर्घगामी योजना होगी? अगर आपकी चोरी लगातार चलती रहेगी, आपके ट्रांसफार्मर का ऑगमेंटेशन होगा नहीं, आपका जो ट्रांसमिशन लॉस है वो कम होगा नहीं, आप बिजली की लाइनों को बदलेंगे नहीं, तो लगातार जो एक चीज़ें हैं उसमें एक कॉम्प्रिहेंसिव इफेक्ट जो आने की ज़रूरत है वो तब तक नहीं आया।
और इस बार जो 200 करोड़ रुपया उन्होंने बिजली के ढांचागत सुधार के लिए दिया है, डिजिटाइजेशन किया है, आपको लगातार एक प्लानिंग करने की ज़रूरत है जिसके अंदर जो बिजली की जो हम सेविंग कर सकते हैं, किस तरह से उसको बना सकते हैं, वो आप करेंगे तो आपका ठीक होगा। दूसरा, जो हम जिस सब्सिडी की बात करते थे, आपको ध्यान में होगा कि शीला दीक्षित की सरकार और केजरीवाल साहब की सरकार, दिल्ली का जो प्लान बजट होता था उस बजट के एक हेड में से पैसा उठा करके वो सब्सिडी में देते थे। अब जिस हेड से पैसा उठाया, जहां पर विकास होना था वो तो रुक गया और वहां पर काम नहीं हुआ। इसलिए हमने कहा कि दिल्ली की विशेष परिस्थिति है, दिल्ली में कोई चुनी हुई सरकार नहीं है। केंद्रीय वित्त मंत्री को हमने कहा था कि वो हमको एक ऐसी एक सब्सिडी केंद्र से दें जिसमें कि दिल्ली के ऊपर बोझ ना पड़े और जो गरीब लोग हैं, जो कम बिजली की खपत करते हैं, उनको उससे राहत मिल जाए। तो 10 में से 10 नंबर दिए हैं सतीश उपाध्याय ने। हम चलते हैं सीधे विक्रांत, हमारे साथ मौजूद है। हमारे साथ विक्रांत, बीजेपी अपनी पीठ तो थपथपा रही, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि जनता को मिला क्या है? अगर हम सीधे सीधे साफ शब्दों में बात करें, जनता की जेब और उनके फायदे की बात करें, तो देखिए दिल्ली में कोई ज़्यादा सरकार के पास इस समय विकल्प नहीं था। दिल्ली में सबसे बड़ा मुद्दा, सरकार ये जानती है कि चुनाव दिल्ली में हमेशा बिजली और पानी दो बड़े मुद्दे रहते हैं। पानी के मामले में दिल्ली पूरी तरीके से बाकी राज्यों पर निर्भर है, सरकार के हाथ में कुछ ज़्यादा उसमें है नहीं। दूसरा है बिजली, बिजली में उसी तरीके से सब्सिडी का खेल जो सालों से चल रहा है, वही एक तरह से कहा जाए कि वो जारी रखा गया है। बीजेपी चाहे उसे एक दूसरा नाम दे और ये कहे कि दूसरी तरीके से उसे किया गया है और इसका सीधा असर नहीं पड़ेगा, लेकिन कोई और रास्ता नहीं है दिल्ली में। दिल्ली की सरकार दिल्ली में जानती है, सरकार की अगर कभी भी चुनाव होगा, दिल्ली इस समय सस्पेंडेड एनिमेशन में, और जब भी चुनाव होगा तो बिजली एक बड़ा मुद्दा होगा। बीजेपी का एक चुनावी वायदा था कि बिजली के 30% दाम कम करेगी, एक तरह से वो करके दिखाने की कोशिश की गई है, और जो परिपाटी चली आ रही थी एक सब्सिडी के खेल की, वो इस बजट में भी जारी रखी गई है। यानी अगर चुनाव होते हैं तो उसकी भी एक छाप कहीं ना कहीं इस बजट में दिखाई देती। बहुत शुक्रिया विक्रांत आपका इस पूरी जानकारी के लिए। विक्रांत यादव हमारे समाता बजट को लेकर पूरी जानकारी दे रहे थे। क्या मिला है लोगों को और जनता को क्या कुछ मिलेगा इस बजट के बाद? हालांकि विपक्ष ने अपनी तरफ से, बीजेपी की तरफ से जो बजट पेश किया गया है उसको लेकर सवाल भी उठाए।